जिसमें आपसे सीसीआईडी मांग रहे हैं, यहाँ आप सीसीआईडी डालें, ऑथराइज करें और प्रोसेस करें। जैसे ही आप प्रोसेस करेंगे, ये 15 से 20 सेकंड का समय लेगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको इसमें डालना है। वेरीफाई ओटीपी और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आपको खुद का करना है। जैसे ही बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होगा, डीजीपे बंद होके अपने आप खुल जाएगा आपके सामने। यहाँ आप कोने में देख सकते हैं 7.4 वर्जन दिया हुआ है, जहाँ टाइम के पास में आपको वर्जन दिख जाएगा डीजीपे 7.4। नीचे आपको एक आयरिस का दिया हुआ है, एक बायोमेट्रिक का दिया हुआ है। जो डिवाइस आपकी लगी हुई है वो आपको ग्रीन मिलेगी, और इसमें आप आयरिस के थ्रू भी कैश विड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें चेंजमेंट ये हुआ है कि एक तो पासबुक में जो भी ट्रांजेक्शन आपकी पेंडिंग में जाएगी, आप उसका यहाँ से स्टेटस चेक कर पाएंगे, यहाँ आपको स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, और जो सक्सेस हो जाएगी वो आपकी सेटल हो जाएगी। जो ट्रांजेक्शन आपकी पेंडिंग में जाएगी वो आप यहाँ से स्टेटस चेक का ऑप्शन आएगा, उसमें आप चेक कर सकते हैं। दूसरा, विड्रो में आपको, आप पहले यहाँ बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, जो बदलाव हुए हैं वो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का अपन लगा के देख लेते हैं। इसके बाद में यहाँ अमाउंट, और ये देखो यहाँ आपको लिखा हुआ मिल रहा है वीएलई ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ आपको पहले खुद का वेरिफिकेशन करना है, ये वीएलई का ऑथेंटिकेशन करना है। वीएलई का ऑथेंटिकेशन प्रोसेस हो रहा है कि ये जो वेरिफिकेशन कर रहे हैं वो पहले वीएलई का करना है। उसके बाद अब जो आया वीएलई ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, नव यू गो फॉर द कस्टमर। अब यहाँ आप दोबारा स्कैन करेंगे तो वो ग्राहक के लिए स्कैन होगा,